अरे देखो देखो, बब्बन बंदर मजे में केला खाते हुए पार्क में टहल रहा है। अरे ये चमकीली चीज क्या है? ये तो कोई जादुई चिराग लग रहा है। बब्बन ने चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिस रहा है। मेरे आका, मैं आपकी तीन ख्वाहिशें पूरी करूंगा। चिराग में से अचानक एक जिन की आवाज सुनाई दे रही है। बब्बन घबरा गया। बोलिए मेरे आका, आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? बब्बन को लग रहा है कि गांव का सबसे धनवान आदमी बनने का ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। क्या ये सच है या कोई धोखा? भूख भी लग रही है, चलो मैं पहले केले मांग कर देख लेता हूँ। ये सोचकर बब्बन ने कहा, मुझे एक दर्जन केले चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। बब्बन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सामने पूरे एक दर्जन केले थे। बब्बन ने झट से सारे केले खा लिए और जोर से डकार मार कर सोचने लगा। अरे यार, काश मैंने कुछ और मांगा होता। चलो अब मांग लेता हूँ। बब्बन ने एक बार फिर चिराग उठाया और उसे जोर जोर से घिसने लगा। बोलिए मेरे आका, आपकी दूसरी ख्वाहिश क्या है? मुझे एक सुंदर बंदरिया चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। बब्बन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक सुंदर बंदरिया प्रकट हो गई। उसे देख बब्बन खुशी से नाचने लगा। अरे अब तो बस एक ही ख्वाहिश बची है, क्यों ना मैं ढेर सारे चिराग मांग लूं, फिर मैं और मेरी सुंदर बंदरिया मिलकर जितनी चाहे उतनी ख्वाहिशें मांगते रहेंगे। सुनो, मुझे 1000 चिराग चाहिए। जो हुकुम मेरे आका। ये कहकर जिन गायब हो गया और इस बार वो चिराग जिसमें जिन था वो भी गायब हो गया। बब्बन इतने सारे चिराग देखकर खुशी से बेहोश हो गया। जब बब्बन को होश आया, वो बौखला के उन 1000 चिरागों में से एक चिराग को जोर जोर से घिसने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बब्बन उदास हो गया। अरे भाई ये क्या, शायद ये वाला खराब हो। चलो मैं दूसरे चिराग को घिसकर जिन को बुलाता हूँ। बब्बन ने बंदरिया से नजरें चुराते हुए दूसरे चिराग को घिसना शुरू किया, लेकिन अफसोस उसमें से भी कोई जिन नहीं निकला। अब बब्बन बारी बारी सारे चिरागों को घिसने लगा, लेकिन उनमें से किसी में से भी कोई जिन नहीं निकला। तब उसे उसकी गलती की समझ आई। उसने जिन से केवल चिराग मांगे थे, जादुई चिराग नहीं। बब्बन जी, ना तो अब आपके पास कोई पुराना चिराग बचा और ना ही इनमें से किसी चिराग में कोई जिन है। मैं किसी कंगाल बंदर के साथ नहीं रहूंगी, मैं तो चली। बब्बन अपनी बेवकूफी पर फूट फूट कर रोने लगा। अब उसके पास कोई जादुई चिराग नहीं रहा और बंदरिया भी उसे छोड़कर चली गई। बब्बन बेचारा अपने लालच का शिकार हो गया। दोस्तों याद रखिए, लालच बुरी बला है, इससे कोसों दूर रहिए। हम फिर मिलेंगे कुछ और रोचक कहानियां और गीत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।